ठीक है, नमस्कार सर। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको हल करा दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर बराबर टू एक्स वाई जेड। इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप हल करेंगे तो सबसे पहले माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इसलिए एक्स बराबर साइन ए और साइन इनवर्स वाई बराबर बी, वाई बराबर साइन बी और साइन इनवर्स जेड बराबर सी, जेड बराबर साइन सी। ये वैल्यू एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स वाई बराबर बी, साइन इनवर्स सी बराबर जेड, इसमें रखने पर ये आपका प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ये समीकरण नंबर एक। अब इसके एलएस साइड लेने पर, एलएस साइड लेने पर एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर। एक्स बाई जेड का मान रखने पर ये साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वी प्लस साइन सी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ये वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी बराबर साइन ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए साइन बी अंडर रूट कॉस स्क्वायर बी साइन सी अंडर रूट कॉस स्क्वायर सी। इसको आगे हल करने पर ये आपका बराबर साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। अब इसको हल करने के लिए इसमें दो का गुणा और दो का भाग करने पर इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन ए कॉस ए प्लस टू साइन बी कॉस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी, ये बराबर एक बट्टे दो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस। इस वाले पद को इसी प्रकार रखें क्योंकि बाद में साइन सी को कॉमन निकाल लेंगे। कोई से भी इस तीन में कोई से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको पे यदि आप छोड़ते हैं तो इन दोनों को चेंज करें और इन दोनों को इसमें चेंज किया तो इसको छोड़ दें, तो ये आपका साइन सी कॉस सी। अब इसमें आप सूत्र लगा दें साइन सी प्लस साइन डी बराबर जो सूत्र होता है टू साइन सी प्लस डी बट्टे दो कॉस, ये टू ए माइनस टू बी बट्टे दो प्लस
टू साइन सी कॉस सी। बराबर एक बट्टे दो टू, ये आपका बचेगा साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। इसकी वैल्यू समीकरण एक से निकालने पर आपको पाई माइनस सी प्राप्त होगा बराबर। समीकरण एक से मान निकालने पर पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। और साइन एक सौ अस्सी माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन एक सौ अस्सी माइनस सी बराबर ये साइन सी होगा इज इक्वल टू एक बट्टे दो टू साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। अब इसमें से टू साइन सी कॉमन निकालने पर बराबर एक बट्टे दो, ये आपको जो प्राप्त होगा कॉमन निकालने पर गुणा टू साइन सी, ये बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। ये टू से टू कट जाएगा, इसके आगे अब यहाँ पर आप समीकरण एक से सी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर सी की वैल्यू समीकरण एक से रखेंगे तो आएगा पाई माइनस ब्रैकेट में ए प्लस सी बी, पाई माइनस ए प्लस बी बराबर आपको ये प्राप्त होगा साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। अब कॉस एक से अस्सी माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसमें आप सूत्र लगाएं कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, तो ये जो सूत्र होता है आपका ये इसमें साइन सी गुणा माइनस टू साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बट्टे दो साइन ए माइनस बी रेड ए माइनस बी बट्टे दो बराबर माइनस टू साइन सी। ये बी से बी कट जाएगा, ये आपका बचेगा साइन ए, ये आपका ए से कट जाएगा, ये जो बचेगा माइनस का बी। और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका ये आएगा टू साइन ए साइन बी साइन सी। अब साइन ए साइन बी साइन सी का मान रखने पर आपको प्राप्त होगा एक्स बाई जेड, तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध होता है एल एस साइड बराबर आर एस साइड। ये आपको इलेवेंथ में विविध में भी दे रखा है, ये लास्ट में क्वेश्चन है इलेवेंथ की विविध में, ये सिद्ध करवाया गया था टू साइन ए साइन साइन सी। इस प्रकार तो ये थोड़ा आगे बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 11, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, यद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इसमें एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक। हल टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू। अब इसमें कुछ भी नहीं है, यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप इसको एक मिनट में आसानी से हल कर लेंगे। मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर, तो ये जो सूत्र होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई बाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर पाई बाई टू। इस टेन इनवर्स को इधर भेजने पर, इधर आप भेजेंगे तो आपका इधर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई बाई जेड एक्स जेड बराबर टेन पाई बाई टू। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये अनंत होता है, ये आपकी वैल्यू इसकी अनंत लगाने पर एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर अनंत। और अनंत को अपन जो लिखते हैं वो बनवट्टे जीरो, बनवट्टे जीरो, तो इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स बराबर एक बट्टे जीरो। अब इसका वज्र गुणा करने पर आपको जो प्राप्त होगा जीरो बराबर वन माइनस एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स। अब पक्षांतर करने पर आपका एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक। ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन सिद्ध होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सूत्र याद होना चाहिए और आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सूत्र तो अवश्य ही याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बट्टे दो, इसमें यद एक बट्टे दो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक बट्टे दो कॉस इनवर्स टू वाई बट्टे वन प्लस सॉरी यहाँ पर वन माइनस वाई स्क्वायर बट्टे वन प्लस वाई स्क्वायर। अगला आपका इसमें एक पद हो रहा है, ये है आपका प्लस एक बट्टे तीन टेन इनवर्स थ्री जेड माइनस जेड क्यू अपॉन वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, बराबर में इसमें दे रखा है फाइव पाई बराबर बराबर
फाइव पाई, तो सिद्ध कीजिए, इसमें सिद्ध करवाया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो अब आप इसको हल करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए, एक बट्टे दो साइन इनवर्स 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बट्टे दो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक बट्टे थ्री टेन इनवर्स 3z जेड क्यू 1 माइनस 3z स्क्वायर। ये मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं, ये आपका होगा 2 टेन इनवर्स x के बराबर, ये होगा 2 टेन इनवर्स y के बराबर, और ये होगा 3 टेन इनवर्स z के बराबर, बराबर ये 5 पाई। ये आपका एक बट्टे दो 2 टेन इनवर्स x प्लस एक बट्टे दो 2 टेन इनवर्स y प्लस एक बट्टे तीन टेन इनवर्स z बराबर 5 पाई। अब ये आपका इससे ये कैंसिल होने के बाद आपका ये बचता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर 5 पाई। यहाँ आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने पर ये आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का सूत्र लगाने पर आपको प्राप्त होगा टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 5 पाई। इस टेन इनवर्स को उधर भेजने पर आपके पास इधर बचेगा x प्लस y प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 10 5 पाई। ये आपका 10 5 पाई, इसे आप लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई, या आपको मैंने पहले 11th में बताया था यदि ये विषम होता है तो तीसरे चतुर्थांश में जाता है, सम होता है तो ये प्रथम में जाता है, तो ये विषम है तो ये 10 0 भी लिखा जा सकता है, नहीं आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन 1 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 10 4 पाई प्लस पाई, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये 360 प्लस थीटा माना जाएगा क्योंकि ये दो राउंड पूरे कर रहा है, तो 360 प्लस थीटा ये प्रथम में जाएगा, प्रथम में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 10 पाई भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 10 पाई, और 10 पाई का मान जो होता है वो शून्य होता है, तो ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0, और इसके यहाँ इससे गुणा करेंगे, गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स वाई जेड बराबर जीरो, इसको उधर पक्षांतर करने पर आपकी वैल्यू प्राप्त होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। इस प्रकार ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है यद sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका cosec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अब आप इसको टेन इनवर्स में चेंज करें, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज करें, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज करें, और यहाँ पर इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र लगा के आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये अभी जो हल किया है वो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको हल करके आप देख लेना, यदि नहीं हल होता है तो हमको डाल देना, हम हल को हल करा देंगे। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर अगला हल कराता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं हल करना है, sec इनवर्स को tan इनवर्स x में चेंज करें, cosec इनवर्स को tan इनवर्स y में चेंज करें, इसको tan इनवर्स z में चेंज करें, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र लगाकर इसको हल कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसको आप यहां से इसका ls साइड लेंगे, ls साइड लेने पर tan इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस 1, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे आप, tan इनवर्स इसे चेंज करें तो आपका आएगा 1 tan इनवर्स 1 अपॉन x, x के स्थान पर आएगा x प्लस 1। इसमें आप यहाँ पर सूत्र लगाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के स्थान पर जो रखा जाएगा वो 1 बट्टे x प्लस 1 रखा जाएगा। तो ये आप इस प्रकार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x और x प्लस 1। अब एलसीएम लेने पर tan इनवर्स, तो ये आपका x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेने पर x प्लस 1
माइनस एक्स एक्स प्लस वन, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार बराबर टेन इनवर्स, इसका यहाँ गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका इससे गुणा करने पर, और ये एक्स एक्स कट जाएगा, अपॉन में बचेगा वन। एक स्टेप और, प्लस वन माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वन। तो ये आपके इस प्रकार एल एस साइड बराबर आर एस साइड सिद्ध होता है। अब रह गया वो आगे आपको पढ़ाएंगे, आगे आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये सूत्र अवश्य आगे इनको बचे हुए क्वेश्चनों को आगे हल करेंगे, आप सूत्रों को अवश्य याद करें, सूत्र याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए किताबों के द्वारा इन सूत्रों को पढ़ते रहें और किताबों से क्वेश्चनों को हल करते रहें। यदि कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे लिए डालते रहें। धन्यवाद।